Assalamualaikum everyone. Public Reaction Show में मैं हूँ आपकी होस्ट अलीना तारिक और मैं हूँ फैसल उमर। तो आज हम करने जा रहे हैं आपके कमेंट्स का फीडबैक, मतलब जो भी आप कमेंट्स में अपने जितने भी फीडबैक देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सब कुछ आज हम आपके सामने बयान करेंगे। काफी लोगों को हमसे गिले भी होते हैं कि हम जो है वीडियो में आप लोगों का सही से रिप्लाई नहीं दे पाते, तो हमने सोचा क्या एक वीडियो बनाएं, और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपके जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हर संडे को Q&A वीडियो आपके लिए शेयर की जाए। इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं वैसे बता दूं मेरी तारीफें काफी होती हैं। अच्छा जी, पहला जो कमेंट है वो लक्ष्य अरोड़ा का है, जिन्होंने कहा है ग्रेट रिएक्शन, कीप इट अप, देयर आर ऑलवेज सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव पीपल अराउंड अस, नो डाउट। Ignore the negative people. I love your reaction. Thank you so much. And opinion of Pakistan public on your channel. And by the way, the girl which has given reaction is so pretty. काफी तरीफें हो रही है। क्या reply है? India. Thank you so much, Lakshya Arora. आप लोगों के जब भी ऐसे reaction आते हैं, हम लोगों की दिली ख्वाहिश होती है कि हम लोग positivity ही show करें। Negative और positive effect हर चीज का हिस्सा होता है। तो नेगेटिविटी हम लोग खुद से क्रिएट नहीं करते, हर एक ओपिनियन होता है कि उसने क्या बोलना है। अब अगर हम लोग उनके ओपिनियन को ही चेंज करें तो फिर वो स्क्रिप्टेड हो जाएगा, आई थिंक। ठीक है, तो मेरे लिए कमेंट आता है कि प्लीज अपने सब्सक्राइबर्स की डेमोग्राफिक स्टेटस बताइए। काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया है कि कौन कौन से कंट्री से क्या आपके सब्सक्राइबर्स हैं। तो डेफिनेटली हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज़्यादा इंडियन से हैं, और बाकी पाकिस्तान से भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबी लिस्ट होती है तो वो पूरी नहीं दिखा सकते, लेकिन जहाँ तक गैस है तो 60% हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंडियन हैं, और 30% हमारे पाकिस्तानी हैं, और 10% जो डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं। तो मेरे लिए अगला कमेंट आता है राणा जलीद की तरफ से, वाओ ग्रेट फैसल वीर जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस माइलस्टोन के लिए, अल्लाह पाक ने आपको आपकी मेहनत का सिला दे दिया है। तो थैंक यू सर, यार आपका प्यार है, आपकी सपोर्ट है, आप व्यू करते हो, आप वीडियोस हमारी देखते हो, पसंद करते हो, इसी वजह से आज हमें जो है वो सिल्वर प्ले बटन मिला है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से ही गोल्ड आएगा। इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट है शुभम प्रसाद, जो कह रहे हैं और कोई जगह नहीं है क्या, हर बार तो अमाना मॉल में ही रहती हो। अमाना मॉल हमारा दूसरा घर है। हमारा मॉल ये है कि हमारे ऑफिस से करीब भी पड़ता है, इसलिए भी हम लोग वहाँ चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियो तो दूसरे मॉल में भी बनाएंगे, जाहिर बात है। लेकिन इसमें मैं आपकी बात रोकूंगा कि सिर्फ अमाना मॉल की वीडियोस नहीं होती, पार्क, यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट वीडियोस होती, लेकिन हाँ कुछ उन दिनों में गर्मी थी तो हम अमाना मॉल को सिलेक्ट कर लेते। सो मेरे लिए अगला कमेंट है, ये सब इंडिया की देन है, आगे इमोजीज बनाई गई हैं और तालियां बजाई गई हैं। जी बिल्कुल, इंडिया से भी प्यार आता है, पाकिस्तान से भी आता है, बांग्लादेश के सब्सक्राइबर्स भी हैं, क्योंकि हमने बनाते हुए रिएक्शन वीडियो, और रिएक्शन हमेशा जो है वो अपोजिट चीज़ पे होता है। अपनी वीडियो बनाएं, अपने भी खुद ही पे रिएक्शन देते रहें, ये मतलब कि कोई तुक नहीं हमें बनती। और हाँ, जो आपकी ये जो बात है ना, ये आपको आगे कमेंट्स में पता चलेगी कि क्यों हम रिएक्शन जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान पर मिक्स देते हैं, तो आगे आपको कमेंट्स में पता चल जाएगा। Nice channel and positive view towards India, and of course I also support Pakistan when situation is same for Pakistan. Always I saw your video and like it. So Vikas, Vikas, thank you so much. आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं जिस तरह हम लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इसके पीछे ये नहीं होता कि हम लोग इसलिए इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोगों की कमाई, कुछ लोग कहते हैं कि दाल रोटी आपकी खुशी से चलती है, तो ये चीज़ें नहीं हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर फैसल ने पहले भी बताया, इंडिया से भी हैं, दूसरी कंट्री से भी हैं, कुछ सिख भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो हम हर एक के लिए कंटेंट लेके आना अपना फर्ज समझते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग हर एक चीज़ पे रिएक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट आता है इट्स यू एस वाई, गुड नेम, इंडियन एंड पाकिस्तानी पीपल्स डू नॉट हेट ईच अदर।
ऐसे कमेंट्स देख के जब हमें मतलब कि फीलिंग्स हमारी होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं जब हम देखते हैं कि ये ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, इस वजह से भी हम वीडियोस बनाते हैं ताकि दोनों कंट्रीज़ के जो फासले हैं वो कम हो और प्यार मोहब्बत से रहा जाए। आगे और भी कमेंट्स बड़े मज़े मज़े के आएंगे, कुछ हेटेड भी होंगे कुछ पॉजिटिव भी होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियोज़ जो है वो इंडिया पर क्यों बनाते हैं। अपनी वीडियोस में आप नमस्कार सत श्री अकाल भी बोलो, तब आपके चैनल को हम सब सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी। अच्छा तो कोशिश करेंगे हम आइंदा के बाद नमस्कार सत श्री अकाल और वेलकम सब कुछ कहने का। तो थैंक यू फॉर योर सजेशन। जे एस जैद का एडवोकेट, कुछ नेम्स इतने डिफरेंट होते हैं कि वो समझ लगती है कि कैसे पढ़े जाए। वाओ हाउ नेशनल पेपर आर अक्सोस दी, क्या बोला हुआ है भाई आपके कमेंट में, थोड़ा सा मसला है। वाओ हाउ नेचुरल पीपल आर अक्रॉस द बॉर्डर, लव यू गाइस फ्रॉम अ हार्डकोर पंजाबी फ्रॉम इंडिया। सो ऐसे जब कमेंट्स आते हैं ना, अब आपको पता चल गया होगा कि हम इंडिया पे वीडियोस क्यों बनाते हैं। तो इंडिया पे व्यूज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमें कमेंट्स आते हैं, हमें ईमेल्स आते हैं कि इस बात पे रिएक्शन लिया जाए, ये टॉपिक हो गया है इस पे रिएक्शन लिया जाए। तो आगे और आपको पता चल जाएगा कि इंडिया बारे में क्यों बनाते हैं वीडियोस। जी सही शेख है जो कह रहे हैं, कौन कहता है पाकिस्तानी खराब होते हैं यार, कुछ घटिया होते हैं, बस हमको लड़ने में लगा दिया करप्ट पॉलिटिशियंस ने, पेड मीडिया ने और कुछ घटिया अनसोशल एलिमेंट्स ने। लव पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। तो जहीर शेख बिल्कुल एग्जैक्ट कहा आपने, पॉलिटिशियन या जो डेमोक्रेसी है वो एक बहुत बड़े एलिमेंट पे चली जाती है। हम लोग आम लोग हैं, आम सिविलियन हैं, कॉमन पीपल हैं, एक दूसरे का जो लव है वो शेयर करते हैं। हम लोग की कोशिश यही होती है कि जो नफरत है वो चीज़ों को, नफरत अंगेज जो चीज़ें हैं वो उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो इस चीज़ पे ये कहा जाना कि आप लोग ज़्यादा ओवर एफिशिएंट हो रहे हो हम लोगों के सिर्फ ये अटेंशन गेन करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी हमारे इंडियन के सब्सक्राइबर और फैंस भी हैं जो वाकई में हम लोगों को अपनी सपोर्ट और जो लव है वो एग्जैक्टली में वो अपने रियल चीज़ों में दिखाते हैं और अपने कमेंट्स के जरिए बताते हैं कि वाकई कि इन चीज़ों को ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ अगर प्यार वाली चीज़ें हम लोग पीस फैला सकते हैं तो हम लोग एक बंदे के स्टेप से वो सब कुछ हो सकता है। तो इंडिविजुअल भी रोल प्ले कर सकता है उस चीज़ में। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए एक और कमेंट है जो बहुत ही मेरे दिल को लगा, आपको भी लगेगा भाई, ऐसे ही और यूट्यूब चैनल बनाओ और असली जनता की फीलिंग्स को शेयर करो। पहले तो हमें गोरों ने अलग करके रखा, रूल किया और अलग करके ही गया। यार आपके जो मैसेज लैंग्वेज होती है ना वो बड़ी टफ होती है, तो मैं पढ़ने में थोड़ा मसला हो जाता है। और उसके बाद से ये पॉलिटिशियंस और मीडिया बोथ ऑफ कंट्री, आई एग्री। आपका जो कमेंट है मोहम्मद सलमान कह रहे हैं इंडिया से कि जो मीडिया है और पॉलिटिशियंस हैं ये हमें जो आवाम को है दूर रखा हुआ, एक दूसरे मिलने से हम रह गए हैं, वीज़ास का इशूज़ हो रहा है। सो YouTube चैनल जो होता है वो हमारा जो मेन बेसिक थीम है YouTube चैनल का वो ये है कि रियलिटी दिखाई जाए। जो बात है अब कोई गलत होता है तो जाहिर है पाकिस्तानी वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया, उस उधर से फिर वो लोग कमेंट्स में गालियाँ दे रहे होते हैं। ये हमारा काम जो है वो जस्ट सिर्फ आपको ओपिनियन दिखा देना है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें वो नई चीज़ चाहिए, हमें कट नहीं करते कि ये नेगेटिव है तो इसको कट कर देंगे। जो नेगेटिव हर की ओपिनियन अलग अलग होती है। तो ये आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा यूट्यूब चैनल आपने देखा और आपको लगा कि ऐसे यूट्यूबर्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच। खालिद तनवीर इंडिया से जो कह रहे हैं, आप लोगों का बड़ा दिल है, नो डाउट, सारी कशीदगी छोड़कर इंडिया को सपोर्ट करने का शुक्रिया, बाय द वे आई एम फ्रॉम इंडिया। तो खालिद तनवीर वाकई हम लोग सारी कशीदगियाँ छोड़ के, हम लोग सारी हेटेड चीज़ों को छोड़ के आप लोगों से रियल में लव करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, फिर चाहे जितनी मर्जी रुकावटें बीच में, हम पीछे नहीं हटने वाले। अगला जो कमेंट है उसका नाम मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि नाम क्या है। अब ये नाम है लुलूवाल असनाथ, लुलूवाल असनाथ साहब आपका कमेंट है कि हाउ रिफ्रेशिंग टू सी द लव एंड गुड विशेज फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया मीडिया हैज़ ब्रेन वॉश द कॉमन मैन एंड क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, लुक हाउ ओपनली दे लव आवर टीम, ट्रू फैंस। तो ये जो वीडियो थी ये मेरी थी वर्ल्ड कप के दौरान, जिसमें मैंने एक वीडियो की थी कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे, इंडिया को या अदर टीम्स को। तो
80% ने कहा था कि हम एशिया की ही टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे और 20% ने कहा था कि हम दूसरों को सपोर्ट करेंगे, तो उस वीडियो पे ये कमेंट था। तो आपका ये कमेंट देख के मेरी भी जो है मैं भी रिफ्रेश हो रहा हूँ, और लुलू वात असनात इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अच्छा, नमिता है इंडिया से, यार ये लोग उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, बड़ी मीठी जुबान है। ये तो सही कहा है, मीठी जुबान है। तो आप लोग की हिंदी अच्छी जुबान है लेकिन थोड़ी सी कम समझ में आती है, लेकिन हिंदू हिंदी और उर्दू तकरीबन कुछ वर्ड सेम सेम है। तो थैंक यू सो मच फॉर मीठी जुबान। नेक्स्ट कमेंट आता है सूर्या सूर्या IBM, बहुत टफ नाम रखे हुए यार आपने। थैंक यू पाकिस्तान, कभी आप लोगों का भी टाइम आएगा, इंडिया से हूँ। थैंक यू आपकी विश के लिए, आपने विश की। यार प्यार पीस ये चीज़ बढ़ेगी, दूरियां कम होंगी, तो जिस तरह मतलब कि आपकी सोच है, उम्मीद करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के लोगों की आपस में ऐसी सोच हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक कमेंट है जो माशाल्लाह जी उन्होंने कहा है। अभी तक अलीना हमने कुछ जो कमेंट्स दिखाए हैं लोग कह रहे हैं कि आपने पॉजिटिव कमेंट्स दिखा दिए हैं, तो ये मेरी तरफ से मेरे लिए नेगेटिव है। नेगेटिव भी आएंगे आगे, आप वीडियो को एंड तक देखिए रहेगा। अगर नेगेटिव कमेंट्स के भी रिएक्शंस हम देने वाले हैं, ये ना कहे कि नेगेटिव हमने किए थे और ये स्किप कर देंगे। तो इसका जो रिप्लाई है वो मैं खुद बहुत इंजॉय करूंगा, जरूर देखते हैं अलीना क्या कहती है। एक बार सुने सत्या, जब शो करने के लिए आते हैं, सही बात है, हम लोगों को दुनिया में देखना है तो थोड़ा बहुत अपने आप को सेट करके आए ना, पता चलना चाहिए भाई ऑफिशियल लोग हैं, ऑफिशनल हैं और प्रोफेशनल हैं, तो अच्छे तरीके से सामने आते हैं। और दूसरी बात ये है सत्या, अगर लड़कियाँ मेकअप नहीं करेंगी तो क्या आप करेंगे? लड़कियों को तो हुसन को सजाने के लिए तो यही सब कुछ चीज़ें बनती हैं, अगर हम लोग ना करें भाई मेकअप इंडस्ट्री बंद हो जाए, मेकअप इंडस्ट्री वालों का नुकसान हो जाए, धरने देने लग जाए। ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा करती हूँ। अगला जो कमेंट है वो रोहित ग्रोवर की तरफ से है कि नाइस वीडियो ब्रो, पीपल डू नॉट वांट डिवाइडेड नेशन, नाइस, गुड टू सी पाकिस्तानी थिंकिंग अबाउट इंडियन। सो यार बिल्कुल जैसे आपने कहा है कि जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं इंडियन और पाकिस्तानी, वो जो हेट्रेड और ये जो जितनी भी चीज़ें मीडिया पर दिखाई जाती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ऐसा ही समझते हैं जैसे वो भी उधर भी हमारे भाई हैं, लेकिन हाँ जहाँ तक कंट्रीज़ और जो हमारे ऊपर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं वो अपनी जगह, वो कैसे सॉल्व होंगे वो उनका काम है, हम आपस में पीस और प्यार जो है वो बनाए रखें। तो आपका कमेंट जो है वो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। एक कमेंट है जगदीश रावल अंकल हैं, अलीना तारिक इज ब्यूटीफुल बट थिंकिंग लाइक दैट टेररिस्ट। यार किसी को टेररिस्ट कह देना इतना आसान होता है यार, और किसी की सोच, आप मेरी सोच कैसे मतलब जज कर सकते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ हमेशा ओपिनियन दिखाती हूँ दूसरे लोगों के, मैं तो सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ, वो अपना ओपिनियन देते हैं, तो हाँ मुझे कैसे टेररिस्ट कह सकते हैं? और किसी की भी इस चीज पे किसी को ऐसे कह देना कि आप टेररिस्ट हो, ये गलत। तो टेररिस्ट अटैक्स तो हर कंट्रीज में होते हैं, क्या वो लोग टेररिस्ट हो जाते हैं? तो ये मेरी नज़र में तो समय से बाहर है आपका कमेंट। तो अगला कमेंट जो है वो भी नेगेटिव है हमारे लिए और पॉजिटिव भी है। आप कहेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैसे हैं, पढ़ के बताता हूँ। स्टॉप मेकिंग सच नॉन सेंस वीडियोज, इंडिया के नाम पर व्यूज लेते हो, ठीक है हमारा चैनल ओपन कर लें, आपको पाकिस्तान की तरफ से भी वीडियोस मिलेंगी जो हमने पाकिस्तान के लिए वीडियोस बनाई हुई हैं, बांग्लादेश के लिए बनाई हुई हैं, इंडिया के लिए बनाई हुई हैं। हमने इसको सिर्फ नेशनली नहीं रखा, हमने इसको इंटरनेशनल कर दिया है चैनल को, ताकि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए वीडियोज़ बनाई जाएँ। अब आपकी बात आती है कि इंडिया के नेम पर व्यूज़ ले रहे हो, इसका भी आपको आंसर देता हूँ कि इंडिया के नेम पर व्यूज़ नहीं ले रहे। एक तो इंडियंस का जो प्यार हमें मिलता है, जो हमारे फैंस हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमें सजेशंस देते हैं, उनका जो प्यार मिलता है उनके लिए वीडियोस बनाते हैं। नो डाउट अर्निंग तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, सो अर्निंग के लिए भी होती हैं। और रही बात इंडिया के नाम पर पैसे कमाना, तो आप इंडियंस चैनल्स देख लें,
जो कि इंडियंस रिएक्शन ऑन पाकिस्तान है, तो आपको कुछ 3-4 लाख चैनल्स वो भी मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा चैनल्स है जो पाकिस्तानी वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के चैनल हैं जो इंडिया की वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं, तो ये उनकी भी कोई गलती नहीं है ना हमारी गलती है, क्योंकि हमेशा रिएक्शन जो है वो अपोजिट चीज़ पे दिया जाता है। यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हर कोई अपना चैनल खोल सकता है, राइट होता है सबको। और हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमें बड़ा मौलाना तारिक जमील उनके हर वीडियो पे रिएक्शन है, उसके बाद लाहौर की इतनी प्लेसेस को उन्होंने दिखाया हुआ है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है यार, ये लोगों को करीब लाती है। हाँ, जोर हो रहा है कि इंडियन जो है वो पाकिस्तानी जो चीजें हो रही हैं उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, नो मैटर, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ, आप भी दें रिएक्शन, हर का हक है वो किस पे रिएक्शन दे। तो जिनको ज़्यादा मसला है कि हमारी वीडियोस नहीं देखनी होती तो वो ना देखें, लेकिन जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनकी तरफ से हमें बहुत प्यार मिलता है, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। अच्छा जी, शेख निसार, अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, आई एम निसार अहमद फ्रॉम इंडिया, डोंट डिसअपॉइंट, हार्ड जीत लगी रहती है, वी ऑलवेज वर्क हार्ड इन एनी फील्ड, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सक्सेस, मेरा भारत महान। गौरव वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब इंडिया के व्यूज पे पैसे कमा रहे हैं। यार इंडियन चैनल्स खोल लो जो पाकिस्तान के नाम से पैसा कमा रहे हैं, तो ये पैसा कमाना कितना पैसा, कोई करोड़ों मिल जाते हैं एक वीडियो से, सो ये जस्ट होता है कि पीस हो, एक दूसरे की चीज़ें मिलें, क्योंकि हमारी चीज़ें सेम हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो कल्चर है, जो फूड है, जो चीज़ें हैं वो एक ही हैं, तकरीबन सेम है, तो अलग हो गए, अलग होने के बाद हमारे पे वो रिएक्शन देते हैं, हम उन पे रिएक्शन देते हैं, तो ये आपका जो सोच है ना, इनको चेंज कर लें और प्यार बांटा करें। हरिदास Your team, good luck for your future show. Thank you so much. और इंशाल्लाह हम आपको next बहुत अच्छे shows देने वाले हैं, बहुत अच्छा content भी देने वाले हैं, ढेर सारा content है, तो आपको तब भी खुशी होगी और इंशाल्लाह आप उन चीज़ों को भी पसंद करें। असनात हैं, वो कह रहे हैं टू गुड ब्रो, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर स्पेशली फैसल उमर, थैंक यू यार, आपका सपोर्ट इसी तरह जो है वो जारी रखिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो होती है ना वो हमारे लिए बहुत मैटर करती है, आपके कमेंट्स से हमें पता चल रहा होता है कि आपकी कितनी सपोर्ट हमारे साथ है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनस ज़िया की तरफ से, वो है आप एडिटिंग कैसे करते हो, तो भाई एडिटिंग का जो सवाल है ना वो यहाँ पे आता है, एडिटिंग हमारी करती है जीरो कट फिल्म्स, यूट्यूब चैनल भी है, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको विजिट करें, सिनेमैटिक शॉर्ट्स वगैरह देखें, एडिटिंग जो है वो हमारा सारा जितना भी एडिटिंग का प्रोसीजर है, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप है जीरो कट फिल्म्स के साथ, वो हमारी एडिटिंग भी करते हैं, वही हमारी शूटिंग भी करते हैं, और हम जस्ट कैमरे के आगे होते हैं, जो भी सारा सीन है उसके पीछे जीरो कट फिल्म्स है। और सॉफ्टवेयर की आपने बात की, तो सॉफ्टवेयर जो है वो अडोब प्रीमियर प्रो हम यूज़ करते हैं। अमित किरण, हाँ अमित किरण शायद लड़की हो, हे लीना आप तो बहुत ब्यूटीफुल हैं ही, बट आप बातें बहुत अच्छी करती हैं, देखा क्योंकि आप इंडिया से बहुत प्यार करती हैं, काश आप मेरी फ्रेंड होती, मैं हूँ आपकी दोस्त, यू आर ब्रिलियंट रियली दिल से, थैंक यू सो मच अमित किरण, वाकई हम लोग इंडिया से प्यार करते हैं, हम लोग हर कंट्री से प्यार करते हैं, हर कंट्री से, ह्यूमैनिटी जो है ना वो, इंसानियत जो है ना वो, प्यार जो है ना वो सब के लिए है, जितना प्यार से रहोगे, जितना ह्यूमैनिटी और पीस और ये वाली चीज़ें रखोगे, इसी से ही ज़िंदगी, क्योंकि कल कोई पता नहीं क्या हो जाए, जो गुजारा है वो अच्छा गुजरना चाहिए, और दिल में हर के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अगला कमेंट आता है मोहम्मद उज़ैफा की तरफ से, वो कह रहे हैं कि बेस्ट व्लॉग एवर एंड नेक्स्ट लेवल एडिटिंग, अब जो पहला है बेस्ट व्लॉग एवर, थैंक यू, आपने ये जुएल वाला मेरा व्लॉग देखा होगा जो लोक मेला पे मैंने किया है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आगे भी और व्लॉग्स आने वाले हैं, और नेक्स्ट लेवल एडिटिंग जो है इसका क्रेडिट जाता है उस्मान भाई को, और उस्मान भाई हमारे जो इतनी उन्होंने मेहनत की उस व्लॉग पे एडिटिंग करने के लिए, और ये जो पहला है वो मुझे क्रेडिट जाता है, और दूसरा जो एडिटिंग का है वो उस्मान भाई को क्रेडिट जाता है, थैंक यू सो मच।
ठीक है, नेक्स्ट कमेंट आता है कि यार और प्रैंकस्टर की भी कहानी पोस्ट कर दो पूछ कर। बिल्कुल, जैसे आपने ये कमेंट देखा, आपने ये देखा होगा क्रेजी प्रैंक टीवी और सुपर बॉय प्रैंक का मैंने इंटरव्यू किया था, इसी तरह हमारी सीरीज स्टार्ट हो गई है, लॉरी प्रैंकस्टर्स का भी हमने इंटरव्यू कर लिया है, जितने भी सेलिब्रिटीज टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं उनकी लाइफ और उनके साथ स्ट्रगल वगैरह की वीडियोज जो हैं वो फैसल उमर शो में आती रहेंगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी रमेश भट्ट, लेट्स बिगिन फ्रेंडशिप इंडिया आप लोगों के जरिए से ही जो हेटर्ड है उस चीज को खत्म किया जा सकता है। हर इंसान बुरा नहीं होता, अगर बुरा कुछ होता भी है तो कुछ उसके ऐसे अमाल होते हैं जो उसको थोड़ा बहुत बुरा कर भी देता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस मुझे काफी लोगों ने कहा था कि जो तुम्हारा फेस है ना वो सिंगर के साथ मिलता है जिनका नाम है जगजिंदर वर्मा, तो मैंने स्पेशली जो है ना वो गूगल पे सर्च किया और उसका पिक्चर्स देखी तो सीरियसली उसका जो फेस है ना वो 80% हमारा मिलता जुलता है। तो ये मैं सीरियस हो गया था, सीरियसली मुझे कोई एक लोगों ने नहीं कहा, मुझे कोई 8-10 इंडियन थे उन्होंने उस कमेंट पे कहा था कि ये जो ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का है ना इस फलानी सिंगर के साथ इसका मिलता है। तो शुएब मकरानी साहब बिल्कुल जी थोड़ा बहुत मिलता है और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन इनके कमेंट से मुझे वाकई दिली खुशी हुई है। इन्होंने कहा था कि आपके ब्रेस्ट की सेंस बहुत अच्छी लगती है, तो इस बात पे मैं ये बोलूँगा कि ऐसा सवाल आप ऐसा जो सवाल जो आप लड़की से जब करते हो तो उसकी जो दिल की फीलिंग्स होती है ना कि आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है तो वो समाई नहीं जाती। तो आपके ये जो आपका सुने, ये कहते हैं कि आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को ये जो ड्रेस है वो गिफ्ट किया जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इंडिया से है तो आप आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं, पाकिस्तान में आए विजिट करें, अपनी फैमिली को ले आए। और ये जो ड्रेस है वो लड़कियां जो गिफ्ट अक्सर नहीं करती लेकिन अलीना ने जो है वो अपना डोनेट कर दिया है। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बाकी कोई इतना प्यार कंट्री से उसके जो ट्रेडिशन है उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज हर चीज को उसके ड्रेसिंग सेंस को उसको पसंद करता है, तो मतलब कि आप लोगों के अंदर जो भी चीज है जज्बात है हर चीज को उस चीज से हट पड़े हैं कि हमारे दरमियान एक बॉर्डर की लाइन खींची हुई है तो नफरत है दिस एंड दैट। फिर भी थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड विश्वांत गुवाता हैं, वो कह रहे हैं कि थैंक यू पाकिस्तान और साथ स्माइल है और एंड पे पीस है। सो ये वाले कमेंट्स जो होते हैं ना वो बार बार आपकी बात वही से हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि ये वीडियोस क्यों बनाते हैं तो जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद की किरण जागती है कि दोनों कंट्रीज में पीस हो सकता है। कि जब एक इंडियन कमेंट कर रहा है कि पीस और साथ विक्ट्री बना रहा है तो इसलिए जो है हमारा कोशिश और भी आगे भी जारी रहेगी कि दोनों कंट्रीज के जो फासले हैं वो कम हों और प्यार बढ़े। अगला क्वेश्चन आता है जय हिंद की, वो भी यही है, लव एंड पीस फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच, लव एंड पीस फ्रॉम पाकिस्तान। मेडी खान है, वो कह रहे हैं उठो जागो इंडिया पाकिस्तान वालों, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, बस अब ख़त्म हो जाना चाहिए ये सब। सो ऐसे कमेंट्स होते हैं जो मतलब कि आपकी फीलिंग्स को एकदम चेंज करके रख देते हैं, आप बोर होते हैं तो आप कमेंट्स रीड कर रहते हैं तो आपका जो है एक्सप्रेशन फेस के होते हैं जो वो बड़े खुशगवार से हो जाते हैं। तो यार ये चीज़ें जब हम देखते हैं ना तो हम और ज़्यादा वीडियोस पाकिस्तान और इंडिया पे, दोनों कंट्रीज़ को हमारा मेजर टारगेट जो है वो पाकिस्तान और इंडिया है और ज़्यादातर हम जो है वो बात पीस की करते हैं और जहाँ पे बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी आ जाती है ना तो वहाँ पे भी हमें रिएक्शंस लेने पड़ते हैं क्योंकि लोग ये कहेंगे कि वो एक चीज़ होती है लेना कि लोग ये कहते हैं कि यार ये तो हर टाइम पीस 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 कर रहे हैं, ये बिनावटी हैं, मतलब कि ये तो मतलब कि एक पीस के नाम पे जो है ना वो चीज़ आगे बढ़ा। यार जब कुछ कंट्रोवर्सियल आता है तो उस पे भी हम पूछते हैं, जब कोई पीस की बात होती है उस पे भी हम पूछते हैं, हमारा काम है। हम लोग कश्मीर के इशू को भी हम लोगों ने रेज किया। हाँ मतलब कि कश्मीर के इशू पे अब पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं ये इंडियन लोग पूछ रहे थे, अब हम वो पूछना था, अब पाकिस्तानी तो यही चाहेंगे कि कश्मीर हमारा है। तो जब वो कमेंट्स आते हैं फिर वो गालियां देने लग जाते हैं कि ये चैनल वाले जो फिक्स्ड व्यूज़ दे रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, जो रियलिटी है वही आपको दिखाई जाती है। और ये कमेंट जो है आपका बहुत अच्छा लगा, उठो जागो इंडिया पाकिस्तान, यार हम तो उठ जाग गए हैं, कुछ पाकिस्तानी और भी उठे जागे, इंडियंस भी जागे, प्यार मोहब्बत बढ़ाओ, थैंक यू। अच्छा जी ये है सुमो दास,
जो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है आजकल, कोई भी मुंह उठा के YouTube में चैनल खोल के फालतू की बकवास करता है। कहीं हद तक उन्होंने ठीक कहा है कि कुछ YouTube चैनल उठाकर फालतू की बकवास कर लेते हैं, हम नहीं, क्योंकि ये हमें इसलिए कह रहा है क्योंकि इससे कोई वीडियो में जो है ना वीडियो थी वो हाँ उस पे इन्होंने कहा कि वो तो जाहिर है उसकी पूरे वर्ल्ड ने तारीफ की है तो पाकिस्तानी तो जाहिर है करेंगे, तो वो शायद भाई को बुरी लग गई है तो इसलिए उन्होंने ये कह दिया। तो अगला कमेंट आता है विश्कार ज्योति हैं, वो कह रहे हैं दिल को सुकून मिलता है ये सब सुन के। यार ये चीज़ें वो बार बार फिर वही आ रहा है, जब एक पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ना, अब आपको पता चल गया होगा कि वीडियोस बनाने का मकसद क्या होता है। अगला कमेंट भी आ रहा है विकास कुमार की तरफ से, वी आर इंडियंस, उसने लिखा है इंडिया प्लस बांग्लादेश प्लस बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब तीनों को उसने कह दिया कि हम एक हैं। सो थैंक यू सो मच विकास, बिल्कुल हम एक हैं, दिलों से एक हैं, एरिए डिफरेंट हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी हैं आयुष अग्रवाल, ये जो हमारी काफ़ी वीडियो से इनका कमेंट आता है तो ये कह रहे हैं अलीना क्यों अपना मजाक उड़वा रही हो तुम झूठ बोल के, इमरान खान क्लाइमेट चेंज और करप्शन की बात कब की, ये स्पीच की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मोदी जी क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म पर बोला, तो आयुष अग्रवाल अगर आप कहते हैं तो हम आपको पर्सनली उस जो स्पीच का है वो लिंक शेयर कर देंगे जिसमें बताया गया इमरान खान ने पहली बात ही क्लाइमेट चेंज की थी और टेररिज्म। और मजे की बात ये है कि नीचे स्काइरिस अलाइज ने कहा है लिसन टू द होल स्पीच फर्स्ट, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब अनलाइक जीने, तो मेरा जवाब उन्होंने दे दिया। तो अगला कमेंट है शबाज़ आलम की तरफ से, ये भी इंडिया से हैं, यार पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था तो इन्हें भी प्यार दें, नाइस वीडियो, लव फ्रॉम इंडिया। सो थैंक यू सो मच शबाज़ भाई, आपने हमारी वीडियो को प्यार दिया, आपके लाइक्स आपका प्यार जो होता है कमेंट्स में हम देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, थैंक यू सो मच। आगे है जी दीप चांद राम जो कह रहे हैं चाइनीज मूवी पे रिएक्शन, हम लोग पहले चाइनीज सीख दो तीन है हिंदी और उर्दू तो हमें आती है तो बॉलीवुड तो हमें पता चल जाता है कि वो इसमें क्या है। तो अगला कमेंट आता है वी आर हैं सराने हैं, अच्छा सराते हैं आपका काम, सराते हैं आपके इस टाइप के इंटरव्यूज, हमारी सोच बदलते हैं पाकिस्तान के बारे में, थैंक्स अटू। सारे क्वेश्चंस का जवाब इस कमेंट में है कि इस तरह के इंटरव्यूज़ जो हैं वो हमारी सोच बदलते हैं, मतलब वो ये कह रही हैं कि हमारी सोच जो मीडिया और पॉलिटिशियंस ने बताई होती है दूसरी कंट्रीज़ के बारे में वो गलत होती है, और वीडियोस देख के जब पाकिस्तान से प्यार मिलता है तो उनकी सोच बदलती है, थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, काफ़ी हम लोगों को ना आगे कहते हैं एक कमेंट आता है कि हिंदू की ना 0.01% जो है हाँ में रह गई, बहुत ज़्यादा कमेंट आता है तो टेंशन ले लीजिए, हम लोगों ने प्लान किया है हाँ। हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे, हम सिख यात्रियों वन पे भी वीडियो बनाएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये क्यों और है। हमने पहली बात बता दी है कि हम लोग स्क्रिप्टेड नहीं करते, जो नेगेटिव और पॉजिटिव अगर वो नेगेटिव बोलेंगे तो हम वो भी दिखाएंगे और पॉजिटिव बोलेंगे तो वो भी दिखाएंगे, तो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है तो इंशाल्लाह हिंदुओं की जो वीडियो है वो भी दिखाई जाएगी कि उनके साथ एक्चुअल में पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, रवैया क्या कि कैसी उनकी जिंदगी है पाकिस्तान में। आखिरी कमेंट जो है वो ये है के क्वेश्चन क्रेजी गैंग है, वो कह रहे हैं क्वेश्चन आस्क बाय एंकर अमेजिंग एंड आल्सो आंसर्ड बाय पाकिस्तानी अवाम ऑसम, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम इंडिया फॉर यू ब्रदर्स। पूरी वीडियो का जो है ना ये चीज़ बता दी गई है कि इसमें आपने पॉजिटिव भी देखे आपने नेगेटिव भी देखे और ये भी देख लिया कि कितना प्यार हमें मिल रहा है और हम वीडियोज़ बनाई जा रहे हैं जो हमें प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच, और जो हमसे हेट करते हैं उनका भी थैंक यू सो मच, कभी ना कभी आपकी सोच ज़रूर बदल जाएगी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ही हैं, एरिया अलग है, आप अपने देश में ज़िंदगी गुजारो हम अपने देश में ज़िंदगी गुजारें सुकून के साथ। तो इस वीडियो में आपने देखा नेगेटिव कमेंट्स भी थे पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, और जो नेगेटिव से हम सीखते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, आपके जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो भी हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं वो तो दिल को जाके लगते हैं। सारा देख के इसको कंक्लूजन में जो मैं एंड में बात करना चाहूँगा कि दुनिया में आप कहीं भी देख लो, वर्ल्ड में देख लो, जहाँ पे पीस है वो लोग ही तरक्की कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं वो अपनी इकोनॉमी भी उनकी लो हो जाती है और बस सारा काम खराब हो जाता है, जो पीस है इसको मेंटेन करेंगे तो मतलब कि आप ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे, इसी तरह जैसे आप बाकी वर्ल्ड को देख रहे हैं वो एक दूसरे के साथ पीस है और सिर्फ और वो इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, वो लोग भी लड़ाई झगड़े ये फितना इन सब चीज़ों से पड़े रहते हैं हाँ। और वो अपनी जो तरक्की है वो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में आगे जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें इन्वेंशन करते हैं, तो हम लोगों को भी यही करना चाहिए एक दूसरे से. हम लोग आपकी वीडियो शेयर रिएक्शन देते हैं और पाकिस्तान इंडिया वाले हमारी, तो नॉलेज ही मिल रहा है ना, नॉलेज मिल रहा है, गेन कर रहे हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन. तो इस तरह से नॉलेज मिलेगा तो हम लोग भी कभी ना कभी उस फोरम पे आएंगे. जब और सिर्फ ये तभी होगा जब दोनों कंट्रीज में पीस होगा. पीस होना बहुत ज़रूरी है. लव और पीस ही हमारी सोच जो है वो बदल सकता है. मैं ये नहीं कहता कि दोनों तरफ एक ही तरह के मतलब के माइंड नेगेटिव होते हैं. दोनों तरफ पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, उधर भी पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, लेकिन जो नेगेटिव हैं उनको बदलना है पीस के साथ, के एक दूसरे के साथ. एक बार मैं वो फिर से दोबारा कहना चाहूँगी कि पीस हम लोग इंडिविजुअली भी अपना राइट प्ले कर सकते हैं. किसी भी डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हम लोग इंडिविजुअली अपना राइट अपना जो रोल है वो प्ले करेंगे. तो एक बंदा जो है वो कहते हैं ना, अपराध के हाथों में है कुआम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. तो फर्द की जमा है अपराध, तो फिर भी जो मुकद्दर का सितारा चमकता है. सो हमने बहुत इन्जॉय किया आपके कमेंट्स को. वीडियो को बिल्कुल एंड करते हैं. इसी तरह आगे जो हमारा हर संडे को Q&A वीडियो आएगा, जितने भी वीक में आपके कमेंट्स होंगे उनमें से हम पिक करेंगे और पिक करके उस पर हम रिप्लाई करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि हम टाइप करके रिप्लाई नहीं कर सकते. तो लीना कैसा लगा Q&A सेशन? मेकअप वाली बात लीना को जो है वो बहुत दिल पे लगी है, आपने मेकअप पे बात नहीं करनी. तो इसी के साथ हमें अगली वीडियो में और ज्यादा बात करनी. तो इसी के साथ हमें दें इजाजत. अल्लाह हाफिज़.